हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा। अध्ययन अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप किस तरह बिना डिजिटल बोर्ड के बिल्कुल डिजिटल बोर्ड की तरह ही कैसे पढ़ा सकते हैं। आप में से बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूट्यूब पर आना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, और आई थिंक आपको आना भी चाहिए। वेलकम है आप सभी लोगों का। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे लोगों को उससे कुछ हेल्प मिल सकती है, तो इससे बड़ा काम कुछ नहीं होता। और टीचिंग तो एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें न केवल आप दूसरों को बताते हैं बल्कि आपको भी रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं, जब भी हम शुरुआत करना चाहते हैं इस काम की, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, कुछ कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि किस तरीके से स्टार्ट करें, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता इसमें होगी। तो आपको बता दें, इसमें कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। आज के टाइम पर मोबाइल फ़ोन तो लगभग सभी के पास ही होता है और आप लोगों के पास भी होगा, तो उसी मोबाइल से आप सब कुछ शूट कर सकते हैं, बिल्कुल एक अच्छी वीडियो आप शूट कर सकते हैं, और उसी तरीके को मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे आप बिना डिजिटल बोर्ड के डिजिटल बोर्ड की तरह पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जो आपको दिखाई दे रही है। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है और यहाँ से कैसे करना है, किस तरीके से टीचिंग करनी है, इसे बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप एक डेमो देख सकते हैं, जिस तरह की वीडियो मैंने शूट की थी उसे आप देख सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे आप कितनी अच्छी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड हुई है। जैसे मैं इसको प्ले कर देता हूँ, ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी। इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हिंदी में आज हम बात करने वाले हैं, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आ रहा है जो एक डिजिटल बोर्ड में होता है। इस तरीके से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड जैसा आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से आप इसे इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब इसको कैसे करना है ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको सबसे पहले दो ऐप्स की ज़रूरत होगी। एक चाहिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डर, जैसे अगर मेरी बात करें तो मैं इस्तेमाल करता हूँ AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, जो कि आपको यहाँ पे इस सर्किल में दिखाई दे रहा होगा, ऐसा इंटरफेस इसका दिखाई देता है। आप प्ले स्टोर पर जाइए आसानी से, वहाँ ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। AZ स्क्रीन रिकॉर्डर आप डाउनलोड कीजिए। और इसके साथ साथ आपको एक ऐप की ज़रूरत और होगी, इसको दिखा देते हैं आपको। ये दूसरा वाला ऐप है आपका डॉक्यूमेंट स्कैनर करके है एक, ठीक है। और वैसे अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इसका जो है इमेज आपको ध्यान से देखनी है। इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ये जो सर्किल के अंदर इमेज बनी हुई है, ऐसा डॉक्यूमेंट स्कैनर आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें। आपने डाउनलोड कर लिया होगा, मेरे में ये पहले से ही इंस्टॉल है। तो इसको ओपन करते हैं और फिर आपको बताते हैं किस तरीके से पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है। तो इसको ओपन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट स्कैनर को। आप चाहें तो डायरेक्टली कैमरे के द्वारा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप डायरेक्ट कैमरे के द्वारा यहाँ से इमेज ले सकते हैं। अगर इसको नहीं लेना चाहते तो आप अपनी गैलरी से भी इमेज चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, उनके मैंने फ़ोटो ले रखे हैं, वो मेरी गैलरी में है। तो चलिए गैलरी में चलते हैं, गैलरी को ओपन करेंगे। गैलरी को ओपन करने के बाद में ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने पहले से ही ले रखी हैं, और जो नोट्स मैंने बनाए थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब इन्हीं में से मैं एक ही फ़ोटो लेता हूँ, आप मल्टीपल फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से मैं एक फ़ोटो, मैंने ये वाला फ़ोटो ऐसे करके चूज़ किया। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन देता है आपको इमेज क्रॉप करने का, जिससे कि आपका जो पेज है बिल्कुल जो कंटेंट है वही आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद में नीचे जो राइट वाला ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर ओरिजिनल लिखा हुआ है, ये ग्रे स्केल लिखा हुआ है, इन्वर्ट लिखा हुआ है, RGB to BZR लिखा हुआ है। यहाँ से आप इसको जो चाहे वो कलर दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया है, जो ब्लैक वाला आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा था, मैं उसी कलर के बारे में दिखाई दूंगा। यहाँ से आप इसको कुछ भी कलर दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको, देखिए यहाँ से मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया, कलर चेंज हुआ ना इसका। अब ऐसे करके ये वाला कलर भी दे सकते हैं, इसका सीपिया वाला कलर भी दे सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी दे सकते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ वो वाला है ये इन्वर्ट, ठीक है। आप इन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसे तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है, जिसको मैं सर्किल के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इस वाली लाइन को क्या करना है आपको, थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है ऐसे करके, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा डार्क होता चला जाएगा। जितना डार्क आपको चाहिए, जितना आपके मोबाइल में दिख सकता है सामने से, उतना ही आप इसको रखें। अब ये जो मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है, ऐसा इंटरफेस आपको जो दिख रहा होगा ये सही है। यहाँ से आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा। फिर ऊपर राइट क्लिक मारेंगे, ठीक है,
आप चाहें तो इसको यहाँ से सेव टू पीडीएफ कर लेंगे। सेव टू पीडीएफ करने के बाद में इसकी जो है पीडीएफ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप खोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसको ओपन फाइल कर लिया। स्क्रीन रिकॉर्डर, जो भी स्क्रीन रिकॉर्डर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसको ओपन करने के बाद में आप इसको चाहें तो ऐसे करके कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद में ये दिख रहा है, आप स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन करेंगे और ऐसे करके इसके ऊपर पढ़ाते चलेंगे कि बंगाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भारत के प्रांतों में सबसे उपजाऊ एवं समृद्ध प्रांत था। 1651 में अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी बनाई। शाह शुजा की अनुमति से इन्होंने ये कोठी बनाई थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसको डिलीट करने के लिए यहाँ से डिलीट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से इसको कर सकते हैं, इससे ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी वीडियो बना सकते हैं और पढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। और ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड से ही यह पढ़ाया जा सकता है या डिजिटल बोर्ड के बिना चैनल को ग्रो नहीं किया जा सकता। आपके कंटेंट में दरअसल दम होनी चाहिए, आपके कंटेंट में जो है अच्छाई होनी चाहिए, जिससे लोग जो है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।